फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन और बैंगन का बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा कराया नाश्ता, जिसे खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कहीं देखा भी नहीं होगा। वैसे तो आपने हजारों नाश्ते खाए होंगे, दूसरों को भी खिलाए होंगे, लेकिन एक बार इस बैंगन के नाश्ते को बनाकर देखिए, आप सारे नाश्ते भूल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा होने के साथ साथ आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, और इस दिवाली आप इसे जरूर ट्राई करना। मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन में मौजूद चीजों से, जिसे बनाकर आप सभी का प्यार और दिल जीत सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 300 ग्राम बैंगन। तो यहाँ पे मैंने लंबे वाले बैंगन का इस्तेमाल किया है। बैंगन बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, इस तरह से पतले बैंगन का इस्तेमाल करिए, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपकी रेसिपी में। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक कटोरी लिया है, वेट नहीं, हमारा मुश्किल से 150 ग्राम है। नाप में आप कटोरी और कप का मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं डियर। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने बैंगन को अच्छे से वॉश कर लिया, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग कैसे करनी है आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप बैंगन ले लीजिए, और नाइफ का जो ये नुकीला सा हिस्सा होता है, इस तरीके से आपको इसे बैंगन को कट लगाना है। तो यहाँ पे आपको चार कट लगाने, ख्याल ये रखना है कि कट आपका बहुत ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा गहरा होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चार कट आराम से लगा लिए हैं, पूरा यहाँ तक देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। इसी तरीके से हम सारे बैंगन में कट लगाएंगे। तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ज्यादा यूनिक होने के साथ साथ काफी बढ़िया है। तो ये देखिए इस तरह से लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सारे बैगन में मैंने कट लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे आपको बताते हैं, चलते हैं गैस की तरफ, आगे का काम गैस पे करेंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक कढ़ाही लिया है, आप कोई भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा फैला हुआ लीजिए, और इसमें मैंने तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब तक आपका तेल गर्म नहीं होगा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। बैंगन को आप अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिएगा, ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। अगर नमी रहेगी तो आप तेल में डालेंगे तो उसके छींटे आपके ऊपर पड़ सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बैंगन को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब इस तरह से मैं बैंगन को इसके अंदर डाल दूंगी, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आपकी कढ़ाई बहुत ज़रा छोटी हो तो आप इसे दो बार में करिएगा, अगर मेरी तरह इस तरह से बड़ी है तो आप इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैंगन को पूरा नहीं पकाएंगे, हम इसे सिर्फ 50% तक पकाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है, और गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है। लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बैंगन गल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लो फ्लेम का इस्तेमाल नहीं करना है, हाई फ्लेम पे आपको इसे घड़ी देखकर 2 मिनट तक कुक करना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, इस तरीके से मैंने इसको हल्का सा एक बार 1 मिनट पे चला दिया था। देखिए इस तरह से हल्के हल्के से स्पॉट आ चुके हैं। बस हमें बैंगन को पूरा नहीं पकाना है, इस तरीके से अब हम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए, और अब हम एक प्लेट में अपने बैंगन को फटाफट ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे आपको इसे सिर्फ 2 मिनट पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है, बैंगन गलने नहीं चाहिए आपको, ये देखिए इस तरह से। और अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, जब तक ये ठंडा होगा हम दूसरा काम कर लेंगे। तो चलिए इसको हम हटाकर साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने दूसरा पैन ले लिया है, और यहाँ पे मैं आपको बैंगन को छू के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे बैंगन हल्के हल्के से सॉफ्ट हो चुके, पूरी तरीके से मैंने इसको कुक नहीं किया है। अब यहाँ पे पैन को हमें गर्म कर लेना है, ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे डियर। हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, जिसमें हमने 2 से 3 काली मिर्च भी ली है, और इसको हमने साथ ही में डाल दिया है, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी, जिसको मकरैल भी बोलते हैं, आपकी तरफ इसे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पे हम 1 बड़ा चम्मच अजवाइन नहीं डालेंगे, हम डालेंगे मगरेल, आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मगरेल ना हो तो। आप इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, तो यहाँ पे हमारा खाने वाला जीरा है, और आप चाहे तो शाही जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पुलाव वाला। और अब इसमें हम डालेंगे चने की दाल, जो हमारी कच्ची दाल है, तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच दाल लिया है। चने की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे कौन सी दाल डाल सकते हैं, आप इसमें उड़द की धुली हुई दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चने की दाल डालने से टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो मसालों को हमें जलाना नहीं है, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, ये देखिए इस तरीके से लो रखा है। अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भुनने देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है, और हमने इसे कम से कम 1 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर भुना है। अब इस मसाले को हमें एक बर्तन में निकालकर ठंडा करना है, गरम नहीं इस्तेमाल करना है। और ये मसाले की जो खुशबू है वो आप एक बार बनाकर देखिएगा, आपका पूरा किचन महक जाएगा। तो चलिए इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं और ठंडा होने देते हैं।
तो फ्रेंड ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे, ये वाले में। तो चलिए ट्रांसफर करते हैं फटाफट। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च। अगर आप लोग ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, अगर नॉर्मल तीखा खाते हैं तो 2 काफी होगी। अगर आप भी तीखी ना हो तो आप इसमें 4 से 5 डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता इसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ना हो तभी आप इसमें धनिया डालना, अगर हो तो यही डालना। तो 20 से 25 हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते जो हमारे फ्रेश वाले हैं। यहाँ पे आपको ताजे वाले इस्तेमाल करना है, सूखा वाला कड़ी पत्ते का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इसको मीठी नीम भी बोलते हैं। ये किसके किसके वहां मिलती है कमेंट बॉक्स में बताना। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक जो हमारा इस तरीके से 2 इंच का अदरक है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और छिलका निकाल लिया है। और अब इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसको हम कवर करके अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, अभी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरीके से हमारा ये ग्रीन मसाला रेडी हो चुका है जो हमने दरदरा रखा है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं किया, ये देखिए इस तरह से। और आपको भी दरदरा रखना है, इससे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा। तो चलिए इसे एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहली चीज है नमक, क्योंकि नमक इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल दी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना नमक खाते हैं। अब इसमें 1 चम्मच भरकर डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर जिसको क्या बोलते हैं खटाई, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून तक। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और लुक आएगा। और अब इसके अंदर हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली थी इसीलिए हमने काश्मीरी लाल मिर्च डाली है जो तीखी नहीं होती है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच होममेड गरम मसाला। ये हमारा घर का बना मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर दूंगी डियर। अब इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे ऑयल जो हल्का सा गरम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सारे फ्लेवर को आपस में मिला देंगे इस तरह से। देखिए करीब से आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब आपको यही मिल जाए, आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। फिर भी मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए सारी चीजें मैंने मिला दिया है। अब हम अपने बैंगन को देखेंगे। ये देखिए हमारा बैंगन ठंडा हो चुका है, गरम बैंगन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैंगन बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। और इस तरीके से देखिए बीच से हमने जो कट लगाए थे उससे आपको पता लग जाएगा कि बैंगन हमारा कितना अच्छा था। तो मैंने इसके देख लिए थे, कीड़े उड़े कुछ भी नहीं थे। वरना आप लोगों में से कई लोग कमेंट करके कहेंगे कि आपने तो देखा ही नहीं। तो डियर जब मैंने इसको वॉश किया था तभी मैंने इसको देख लिया था, इसमें सारे बैंगन हमारे सही थे ऊपर वाले की दया से। अगर आपका बैंगन खराब निकल जाए तो इसको फेंक देना, खाने की जरूरत नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसके अंदर हम हाथों से मसाला बनेंगे, क्योंकि हाथ से जो काम होता है वो चम्मच वम्मच से बन नहीं पाता है। यहाँ पे हमको इसको इस तरह से अच्छे से ठूंठ ठूंस कर भरना है। जब मसाले होंगे तभी तो खाने में मजा आएगा। ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया। अब हम बाकी वाले को भी इसी तरीके से इसके अंदर डाल डाल कर फिल करेंगे। तो चलिए सारे कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, मैंने चारों तरफ जहां पे कट लगाया है उसको फिल किया है। आप लोग एक ही तरफ मत कर देना, चारों तरफ जहां जहां कट लगा है वहां वहां ये मसाले को भरना, तभी आपका टेस्ट आएगा बिल्कुल निकल कर। अच्छे से हाथ से काम करना, चम्मच चम्मच से बने होने का है नहीं, मैं पहले बता दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको इसके अंदर फिल करना है। तो बाकी मैंने फिल कर लिया था, फिर मुझे याद आया मैंने तो एक ही तरफ दिखाया था, और आप लोगों में से कई लोग एक तरफ भर देंगे फिर टेस्ट नहीं आएगा तो बोलेंगे मैम टेस्ट नहीं आया। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने फिल कर दिया। अपने हाथों को थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, देखिए क्या हालत बन गई है इसकी, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए सारे मैंने कितने अच्छे से फिल कर दिया है, बिल्कुल मजा आ जाएगा खा के। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़े साइज का बर्तन लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे अपना बेसन जो हमारा था, और इसको मैंने छान के लिया है, आपको भी छान कर लेना है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन से थोड़ा सा कम लिया है चावल का आटा, जिससे बहुत ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी होगा। इधर मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, ताकि ये गर्म होता रहे और टाइम की बचत हो जाए, क्योंकि कई सारे लोगों की शिकायत होती है कि मेरी वीडियो में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं आज वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमारा बैंगन के अंदर पहले से ही नमक मौजूद है मसाले का। थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए।
और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी चुटकी भर काश्मीरी लाल मिर्च, और अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। जीरा अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, आपकी मर्जी, आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल जो हमारा गर्म हो रहा था उसमें से ले लेंगे और 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे, बस काफी है। इससे बहुत ही अच्छा कुरकुरा और टेस्टी फ्लेवर आएगा। अब सारी चीजों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीजें अच्छे से बेसन के अंदर मिल जाए। अब यहाँ पे मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे। तो अब मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है। इसका जो बेस बनेगा यानी हम जो बैटर बनाएंगे वो बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अगर पतला होगा तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से फेंट लिया है और मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी थिक है, तो मैं इसमें 3 से 4 चम्मच पानी और ऐड करूंगी। तो यहाँ पे देखिए थिक है, अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, और इसको वापस से मिक्स करूंगी इस तरह से। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। इस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए। ये देखिए करी जो आपको दिखा रहे हैं, रनी होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, स्मूथ मक्खन मलाई। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप चाहें तो इसमें जल्दी हो तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल करके इसे तुरंत बना सकते हैं, लेकिन हम तो इसे कवर करके रख देंगे और 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, आइए चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बैटर था वो बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, और बेसन फूलने के बाद इस तरीके से और थिक हो गया है। बस इतना ही थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, चम्मच को हम कर देंगे साइड में। तो चलिए चम्मच को मैंने कर दिया साइड में, और ये हमारा चटपटा जो आप ऐसे भी खा सकते हैं। जिन लोगों को शिकायत है कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, आप इसको हल्का सा तेल डाल के पका लीजिए, ऐसे भी खा सकते हैं रोटी वगैरह के साथ। लेकिन मैं इसको नाश्ता बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर इसको डीप कर दूंगी। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से बेसन को डालेंगे, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे, तो चाहे तो इसको भी यानी डंठल को भी कर सकते हैं। और अब हम इसको बिल्कुल आराम से उठाएंगे चम्मच से ही और अपने तेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो तेल रखा था वो पहले से ही हमारा हमने रख दिया था, और अब हम चम्मच को बदल लिए क्योंकि उस चम्मच से हमें बन नहीं रहा था, और इस तरह से हम इसको डाल लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर आपकी कढ़ाई छोटी हो तो आप इसमें ज़्यादा मत डालना। तो यहाँ पे मैंने 2 डाले हैं, 2 मैं बाद में डालूंगी। अब इसको धीमी धीमी आंच पर हम सिकने देंगे यानी पकने देंगे। तो यहाँ पे जब ये बिल्कुल अच्छे से एक साइड से क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसे टर्न करेंगे, और आप इस तरीके से एक बार बनाकर देखना, मजा आ जाएगा आपको खा के। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, आइए इसको हम टर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे आप नाइफ की सहायता से या फिर छोटे चम्मच की सहायता से इसको आराम से टर्न कर दीजिए इस तरह से, और दूसरे साइड भी हम इसे 2 मिनट पकाने के बाद फटाफट निकाल लेंगे। तो ये हमारा बैगन पहले से ही 50% तक कुक है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको पकाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसको, ये देखिए कितना बेहतरीन सा बना है, देख रहे हैं आप लोग। अब मैं इसको निकाल लूंगी फटाफट, और जो हमारे 2 बच्चे हैं उसको भी बनाने के बाद आपसे मिलते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये देखिए तैयार हो चुका है, तो बाकी ये भी बना के फिर आपसे मिलते हैं फटाफट। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा ये खूबसूरत सा नाश्ता, जिसे हमने बैगन और बेसन से बनाया है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा बेहतरीन आया है, कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है, ये देखिए, और सारे ही क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। और जो बेसन है हमारा बिल्कुल अच्छे से कोट हुआ है। इसे मैंने सर्व किया है ये वाली केचप के साथ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर देंगे। और आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स से बताना। तो चलिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि कितना बेहतरीन ये अंदर से कुक हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब आप इसको कट करेंगे तो आपको इसको पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ है। आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, या फिर पूरा इसी के साथ भी ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा नाइफ अंदर तक जा रहा है, जिसका मतलब ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कुक हो गया है। तो चलिए मैं इसे इस केचप के साथ एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक इस रेसिपी को खाइए और खिलाइए, और कमेंट के जरिए बताइए कि आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी कैसी लगी। लेयर देखिए हमारी कितने अच्छे से इसके ऊपर चढ़ी है। तो बेसन आपका थिक होना चाहिए, अगर लिक्विड होगा तो कवर नहीं करेगा।
बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं बहुत ही जल्दी आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।